चलो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो मेथड ऑफ मोमेंट्स, मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टिमेशन, ये दोनों हमने करा हुआ है, सिंपल है। अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे मेथड ऑफ परसेंटाइल्स। तो ये ना अगेन हर एक मेथड का अपना एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, वो हम डिस्कस करेंगे अभी। एक बार ये कर लेते हैं, लिखना मेथड ऑफ परसेंटाइल्स। ठीक है, तो इसमें ना मेथड ऑफ परसेंटाइल का क्या मीनिंग है? मीडियन, फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, सब परसेंटाइल है ना। 50th परसेंटाइल, 25th परसेंटाइल, 75th। हाँ, तो बेसिकली अगर हमारा वन पैरामीटर एक्सपोनेंशियल, पॉइजन, और कौन सा होता है वन पैरामीटर डिस्ट्रीब्यूशंस? बर्नौली, और पॉइजन बोल दिया मैंने, एक्सपोनेंशियल और वन पैरामीटर डिस्ट्रीब्यूशंस, और कुछ नहीं याद आ रहा। टू पैरामीटर्स बताओ, गामा, परेटो, नॉर्मल, बाइनोमियल, ये सारे टू पैरामीटर हो गए। तो जब आपका वन पैरामीटर एस्टिमेशन होता है ना, तो आप मीडियन लेके कर सकते हो, मीडियन से कंपेयर कर। सपोज आपका सैंपल मीडियन दिया है, पॉपुलेशन मीडियन से कंपेयर करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, पैरामीटर एस्टिमेट कर सकते हैं। अगर टू पैरामीटर्स है तो आप 25th एंड 75th परसेंटाइल्स यूज करके, मतलब क्या, एक सैंपल गिवन है, सैंपल का 25th परसेंटाइल निकाल लोगे, सैंपल का 75th परसेंटाइल निकाल लोगे, सैंपल वैल्यूज का निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? निकाल सकते हो। उसको कंपेयर किस करोगे, जो एक्चुअल पॉपुलेशन परसेंटाइल्स है, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, चलो एक क्वेश्चन कर लो। लेट्स सपोज आई एम सेइंग एक्स फॉलोज वेबल अल्फा कॉमा, नहीं लिख देते हैं सी कॉमा, टेबल बुक निकाल लेना, सी कॉमा गामा। ठीक है, फर्स्ट क्वार्टाइल आपको गिवन है, लेट्स सपोज 401। थर्ड क्वार्टाइल आपको गिवन है 2836.75। ठीक है, ये आपको गिवन है। अब आप लोग कैसे निकालोगे? आप लोग बोलोगे मैम हमें तो 25th एंड 75th परसेंटाइल का पॉपुलेशन पता ही नहीं। आपको पता है, क्या यूज कर सकते हैं, क्या फॉर्मूला, हमें क्या पता है, प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू समथिंग, लेट्स से सपोज 0.25, यू आर रिप्लेसिंग दिस एक्स विथ 401, दिस इज आइडियली वॉट अ CDF, कैपिटल एफ एक्स है, हाँ कि ना, ये आपका कैपिटल एफ एक्स है। तो कैपिटल एफ एक्स इक्वल्स टू 0.25, और ये वाले एक्स की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 401, दिस इज इक्वल टू 0.25, हाँ है ना, 0.25। सिमिलरली 2836.75 इज इक्वल टू 0.75, है ना। अब देखो वेबुल डिस्ट्रीब्यूशन का CDF का क्या फॉर्मूला होता है, देख के बताओ। हाँ पेज नहीं, पेज पता नहीं, परेटो के पहले है शायद, चेक करो, एक्सपोनेंशियल के पास होगा वेबुल। बताओ CDF का, बताओ फंक्शन, 1 माइनस e गामा, तो एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, 401 टू दी पार गामा इक्वल्स 0.25। और एक इक्वेशन कैसा बन रहा है हमारा, 1 माइनस e टू दी पार -c इंटू 228। गामा ले लेते हैं 0.75। दो अननोन, दो इक्वेशंस निकाल के बताओ क्या करोगे। वन माइनस पहले उधर ले जाओ, दोनों तरफ लॉग ले लो, ई हट जाएगा। ठीक है, मैं स्ट्रेट अवे अगर लिखूं
0.75, log of 0.75. ये माइनस भी हटा देते हैं क्योंकि लेट्स से सपोज, नहीं एक सेकेंड देना, ये माइनस ये हम इधर ले गए और ये हम इधर ले गए. हाँ ठीक है, सही है एकदम. ये हो गया एक इक्वेशन. सी को इक्वेट कर दो माइनस लॉग ऑफ 0.75 बाय 401 गामा. सेम इधर बन जाएगा, सी इक्वल्स माइनस लॉग ऑफ 0.25 डिवाइडेड बाय 2836.75 होल टू द पावर गामा. सही लिखा है मैंने? इन दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों सी है, दोनों को इक्वेट कर दो तो अल्फा गामा निकल जाएगा. गामा यूज करके सी निकल जाएगा. तो गामा का वैल्यू आप पहले बताओगे मुझे, फिर आप मुझे सी का वैल्यू बताओगे. नहीं कोई भी ले सकते हैं, बट देखो अगर आपके पास डेटा है तो 25th एंड 75th लेने से एक बेटर ओवरव्यू मिलेगा. और जो बाकी क्वेश्चन में गिवन है, इस क्वेश्चन में आपको फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल गिवन था तो आप वही यूज कर सकते हो. बोलो करो फटाफट कैलकुलेशंस करो. क्या आ रहा है? क्या आया आंसर? गलत कैसे कर सकते हैं तुम लोग कैलकुलेशन? ये सब सिले में से एक बताओ, कोई लॉजिक नहीं है. एक एक मार्क, एक एक मार्क चला जाता है. 0. हाँ 803. थोड़ा सा और बोल, इंटरमीडिएट है ये. 767 आ रहा है मेरा. सी अभी तो तुम लोग ऐसे कदम भी नहीं लिए हो CS2 के अंदर, उसमें तुम लोग इतना टाइम लगा रहे हो कैलकुलेशन करने में. फटाफट का हाथ चलाओ कैलकुलेटर पे. 0. करेक्ट, वेरी गुड, गॉट इट. तीनों मेथड. अब थोड़ा बहुत एडवांटेज डिसएडवांटेज समझ लेते हैं. MLE में क्या है, MLE यूजेस द एंटायर डेटा, है ना, बिकॉज इंटायर सैम्पल डेटा. जैसे MLE में क्या था कल हम लोग जब करे थे, हम समेशन ऑफ होल एक्स आई पूरा लेते हैं वैल्यूज. मेथड ऑफ मोमेंट्स में भी आप क्या लेते हो, पूरा वैल्यूज कंसिडर नहीं करते, आप एक सैम्पल मोमेंट
एंड पॉपुलेशन मूवमेंट कंपेयर करते हो, राइट? और सेम मेथड ऑफ परसेंटाइल में आप एक सिंगल वैल्यू से कंपेयर करते हो, विच इज, और मतलब अगर सोचो अगर आपका स्प्रेड ऐसा है कि 75th परसेंटाइल अननेसेसरीली बहुत हाई है ना, एवरेज कम था, तो गलत एस्टिमेशन निकल सकता है ना? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो अजम्पशन होता है वो हम लोग एमएलए में करते हैं. एमएलए में आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का अजम्पशन चाहिए अंडरलाइन, ठीक है? तो तब हम लोग एमएलए यूज करते हैं. तो सबका एडवांटेज डिसएडवांटेज होता है अकॉर्डिंग टू द कौन सा मेथड हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है? एंड आंसर्स अगर आप तीनों मेथड से निकालोगे तो थोड़ा अलग आएगा पैरामीटर्स का, राइट? फिर हम लोग थ्योरी में जब हम लोग सम्स करेंगे तो हम लोग देखेंगे उसमें कैसे हम लोग कमेंट भी करते हैं, राइट? नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट विद अ इंटरेस्टिंग टॉपिक, मिक्सचर डिस्ट्रीब्यूशंस. ठीक है, अब एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं. लेट्स सपोज आई एम सेइंग एक्स गिवन लैम्डा फॉलोज एक्सपोनेंशियल लैम्डा. इसका क्या मीनिंग है कि लैम्डा इटसेल्फ इज अ रैंडम वेरिएबल. हम लोग क्या करते हैं, एक्स फॉलोज एक्सपोनेंशियल 5, एक्सपोनेंशियल 6. यहाँ पे लैम्डा इज अननोन, ऑल राइट? यहाँ पे लैम्डा इज अननोन, तो लैम्डा खुद एक रैंडम वेरिएबल है विच फॉलोज गामा डिस्ट्रीब्यूशन. अब यहाँ क्या बोल रहे हैं हम लोग कि गामा लैम्डा फॉलोज गामा अल्फा कॉमा डेल्टा. इसका क्या मतलब है कि सबसे पहले आपको लैम्डा का वैल्यू चाहिएगा, फिर उसको आप एक्सपोनेंशियल में डाल के एक्स का वैल्यू निकाल पाओगे. आप एक्स डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, एक्स इज कंडीशनल ऑन लैम्डा. लैम्डा जब तक नहीं पता होगा एक्स नहीं पता. सो इट्स अ, व्हाट इज दिस, दिस इज अ कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन. तो अब मुझे अगर अनकंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स निकालना है, अगर मुझे अनकंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स निकालना है तो हम लोग को क्या यूज करना पड़ेगा. आप लोग के सिलेबस में ना पहले था कॉन्वल्यूशंस, अभी इन्होंने हटा दिया है. पहले CS1 में आप लोग कॉन्वल्यूशंस पढ़ते थे. तो अब हम लोग को इसको निकालना है, तो हम क्या करेंगे, देखो हम इंटीग्रेट करेंगे. एक्स का वैल्यूज कहाँ से कहाँ जाने का पॉसिबिलिटी है, 0 to infinity, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉलो करते हैं. तो 0 से infinity हम लोग क्या करेंगे, एक्स गिवन लैम्डा का PDF को इंटीग्रेट करेंगे इसके टर्म्स में, लैम्डा के टर्म्स में. सो व्हाट आर वी डूइंग, कैसे हो रहा है, ये हो गया आपका कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीप्लाइंग इट विद द अनकंडीशनल. ये लॉजिक आप लोगों ने पढ़ रखा है, ये लॉजिक करेक्ट बेस थ्योरम. आप लोगों ने ये लॉजिक कैसे पढ़ रखा है, देखो प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी कितना क्या होता है, ए, एक सेकेंड, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, बी ये जो इंटरसेक्शन है ना, ये जो इंटरसेक्शन है ये क्या है, जॉइंट. अगर अनकंडीशनल निकालना हो, ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, कंडीशनल इनटू दिस मल्टीप्लाई करके ये वाला पार्ट आएगा, हाँ देख लो. या फिर एक और बेटर एग्जांपल मैं देती हूँ. तुमने बेस थ्योरम बोला, बेस थ्योरम में डिनोमिनेटर में हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डालते हैं, एज इन द टोटल प्रोबेबिलिटी डालते हैं. वो टोटल प्रोबेबिलिटी होता क्या है, वो टोटल प्रोबेबिलिटी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ बी व्हेन इट इज डिस्क्रीट, नॉट कंटिन्यूअस, व्हेन इट इज डिस्क्रीट. व्हाट इज डिस्क्रीट, ए इज डिस्क्रीट, ठीक है? तो फॉर ऑल वैल्यूज, बी इज डिस्क्रीट, इनफैक्ट बी हैज टू बी डिस्क्रीट. तो हम लोग फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ बी, ऑल द पॉसिबिलिटीज ऑफ बी, हम लोग ए गिवन बी निकालेंगे. इसका मतलब क्या हो गया, एक तरीके से दिस, इसका मतलब ये हो गया बेसिकली, ये जो बी है ये बी आपको गिवन रहेगा, दैट मल्टीप्लाइड बाय ए गिवन बी, उससे आपका सबके वैल्यूज को हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारा प्रोबेबिलिटी, अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा. फॉर एग्जांपल एक और मैं एग्जांपल देती हूँ, ठीक है? लेट्स सपोज यहाँ मैंने लैम्डा को बोला है कि वो गामा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है. अगर मैं बोलूँ कि लैम्डा का टू वैल्यूज पॉसिबल है, 0.2 एंड लेट्स सपोज 0.5, ठीक है, खाली दो वैल्यूज है, ये कुछ और फॉलो नहीं करता, तो इसका क्या मतलब है कि
एंड दोनों का लेट्स सपोज प्रोबेबिलिटी इज इक्वल है, दोनों का पॉसिबिलिटीज लेट्स सपोज इक्वल है, तो हम क्या बोलेंगे, x गिवन लैम्डा व्हेन इट इज इक्वल्स टू 0.2, तो क्या हमारा x का वैल्यू निकल रहा है, एंड अगेन x गिवन 0.5 तो हमारा x का क्या वैल्यू निकल रहा है। फिर इन दोनों को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइड विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ लैम्डा 0.25 व्हिच इज इन टू पॉइंट फाइव एंड यू गेट योर फाइनल आंसर। तो आपने क्या किया, आपने सबको ऐड किया, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लैम्डा को आप ऐड करोगे, उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करोगे, करेक्ट। तो वही कर रहे हैं, वैल्यूज ऑफ लैम्डा हो गया प्रोबेबिलिटी की जगह पीडीएफ, क्यों, क्योंकि कंटिन्यूस है ना, फॉर ऑल दोस प्रोबेबिलिटी आप कंडीशनल निकाल रहे हो, किसके लिए, अनकंडीशनल। और ये जीरो टू इन्फिनिटी एक्चुअल में किसका है, लैम्डा का वैल्यूज है, क्योंकि यहाँ पे लैम्डा के भी वैल्यूज जीरो टू इन्फिनिटी जाएंगे। तो हम लोग किसका रेंज, ये जो रेंज हम लोग ले रहे हैं ना, ये कंफ्यूज मत होना, ये रेंज हम लैम्डा के लिए लेते हैं, ये रेंज हम लैम्डा, क्योंकि इंटीग्रेट आप कैसे करो लैम्डा के टर्म्स में ना, तो लैम्डा का रेंज। दोनों समझा दिया मैंने, अगर लेट्स सपोज मान लो मैं बोलती कि ए गिविन नहीं ए नहीं रखते, चलो मान लो मैं बोलती कि x गिवन लैम्डा फॉलोज एक्सपोनेंशियल लैम्डा वेयर लैम्डा हैज दिस डिस्ट्रीब्यूशन, तो x आपका कंटिन्यूस है, लैम्डा क्या है, डिस्क्रीट है, तो उसमें हम ऐड करते, तो किस पे डिपेंड करता है कि ऐड करेंगे कि इंटीग्रेट करेंगे, करेक्ट, इस लैम्डा पे, इस लैम्डा पे, नॉट ऑन एक्स, नॉट ऑन एक्स। तो व्हेन इट टेक्स द वैल्यू 0.2 तो क्या एक्स का वैल्यू होगा, व्हेन इट टेक्स द वैल्यू 0.5 तो क्या एक्स का वैल्यू होगा, ठीक है, इस एक्स का वैल्यू का वेटेज 0.5 है, इस एक्स का वैल्यू का वेटेज 0.5 है, दोनों को ऐड करके क्या निकल गया, अनकंडीशनल वैल्यू ऑफ एक्स। वही चीज कर रहे हैं, क्योंकि लैम्डा कंटिन्यूस है, तो हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं कहां से कहां, जीरो टू इन्फिनिटी, क्योंकि लैम्डा का वैल्यूज कैन गो फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। देख लो ये क्लियर है कि नहीं, करेक्ट है। चलो अब मैं एक करूंगी, फिर मैं आप लोग को और एग्जाम्पल दूंगी करने का। हाँ कर लू, मेरा ना रनिंग नोट्स कर लिया करो, रिविजन टाइम पे बहुत हेल्प होगा। एक बार देख लो, ये बताना मुझे वैल्यू एफ एक्स गिवन लैम्डा, तो इसका पीडीएफ क्या होगा, एक्सपोनेंशियल का गिवन लैम्डा, लैम्डा ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स, और गामा का बताना एक बार क्या है, एक सेकेंड, आराम आराम से बोलो, यहां ध्यान रखो आपके टेबल बुक में एक्स फॉलोज गामा अल्फा कॉमा लैम्डा है, कंफ्यूज मत होना। तो हाँ, तो एक्स की जगह पे आपको डालना है लैम्डा, और लैम्डा की जगह आपको यहाँ डालना है डेल्टा। आपके टेबल बुक में क्या है, आपके टेबल बुक में एक्स फॉलोज गामा अल्फा कॉमा लैम्डा है ना, तो इसकी जगह आप यहाँ लैम्डा डालोगे, क्योंकि लैम्डा फॉलोज है, और इसकी जगह अल्फा ही रहेगा, और इसकी जगह आपका डेल्टा हो जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन अब बताओ मुझे, वेरी गुड, डेल्टा टू द पावर अल्फा बाय गामा ऑफ अल्फा, वेरी गुड, लैम्डा मतलब एक्स, एक्स टू द पावर है ना, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग एक्स टू द पावर वी विल राइट लैम्डा टू द पावर अल्फा माइनस वन, और ये अब क्या है, लैम्डा एक्स है, तो लैम्डा एक्स की जगह पे हम लोग, ठीक है एक बार देख लो, फिर मैं टाइम कर दूंगी करने का। अब जो जो टर्म्स लैम्डा के नहीं है वो बाहर चले जाएंगे, वो कांस्टेंट हो गए, कौन से टर्म्स हैं, और कोई टर्म्स है, और कोई टर्म्स नहीं है, सब में है। तो जीरो से इन्फिनिटी लैम्डा, देखो लैम्डा, ये एक लैम्डा है,
देखो ये एक लैम्डा है और एक लैम्डा के ये है, तो हम लोग लैम्डा टू द पावर अल्फा लिख सकते हैं -1 +1 करके, ठीक है। फिर ई टू द पावर माइनस कॉमन ले लो, एक्स प्लस डेल्टा लैम्डा ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। रुक जाओ देख लो फिर करना, मैं टाइम दूंगी करने का, हड़बड़ाओ मत ऐसे। अब दिस इज दिस डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपको देख के क्या लग रहा है कि कौन सा का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा पीडीएफ हो सकता है? ट्राई करो कि किसी का पीडीएफ बन जाए। एक्सपोनेंशियल का कैसे बनेगा? दो दो पैरामीटर है, डेल्टा लैम्डा के अलावा अल्फा और ये दो है ना, गामा का ही बन सकता है। करेक्ट, एब्सोल्यूटली। गामा का पीडीएफ क्या होता है बताना एक बार। हाँ पैरामीटर्स कुछ भी ले लो, लेट्स सपोज एक्स फॉलोज गामा अल्फा कॉमा लैम्डा है। एक सेकेंड रुको, बोलो क्या। एक्स रेज टू द पावर, ये है ना। अब यहाँ पे ऐसा क्या दिख रहा है कि लैम्डा के टर्म्स में करना पड़ेगा, एक्स की जगह लैम्डा इमेजिन करो, है ना, एक्स की जगह लैम्डा इमेजिन करो। तो यहाँ हम लोग क्या बोलेंगे, देखो जैसे लैम्डा टू दी पार अल्फा है ना, यहाँ हम लोग को क्या चाहिए, एक्स टू दी एक्स की जगह पे लैम्डा चाहिए। तो ये अल्फा +1 -1 कर सकते हैं, इसको हम लोग ध्यान दो लैम्डा अल्फा +1 -1 कर दें, तो अल्फा +1 हम लोग का क्या हो गया, एक पैरामीटर हो गया इसके जगह पे, दिख रहा है बनते हुए, ठीक है। उसके बाद ई टू दी पार -λx है, वहां पे लैम्डा है एक्स की जगह पे, तो लैम्डा से कंपेयर करना है ना, क्योंकि लैम्डा इज द वेरिएबल, लैम्डा इज द वेरिएबल। तो ये आपका है एक्स प्लस डेल्टा लैम्डा, तो आइडियली आप किसको कंपेयर करो, यहाँ का जो लैम्डा है उसको आप कंपेयर कर रहे हो इससे। अब बाहर हमें क्या चाहिए, ये वाला जो टर्म बच रहा है, ये टर्म हमें क्या चाहिए, ध्यान से सुनना, लैम्डा टू दी पार अल्फा है, लैम्डा की जगह हमने लिखा है एक्स प्लस डेल्टा टू दी पार अल्फा +1 लिखेंगे हम, हाँ अल्फा +1, क्योंकि ये अल्फा की जगह पे हमने अल्फा +1 -1 किया है, ये पैरामीटर इससे इक्वेट कर रहा है, इससे खाली अल्फा से, और यहाँ अल्फा +1 है, यस और नो, है ना। तो अब इसके बाद डिवाइड किससे करना है, अल्फा +1। अब क्योंकि आपने अंदर में इससे मल्टीप्लाई किया है, तो बाहर में इसी से डिवाइड कर देते हैं ताकि वो बैलेंस आउट हो जाएगा, नहीं तो ये टर्म्स अचानक से कहाँ से आ जाएंगे, है ना, ये टर्म अचानक से तो कहीं से आ नहीं सकते। तो इनसे हम लोग क्या करेंगे, क्या था पहले, क्या टर्म्स था पहले, था ये टर्म्स तो था ही पहले, अब हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अल्फा +1 कामा एक्स प्लस डेल्टा अल्फा +1, देख लो, दिस बिकम्स पीडीएफ ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर्स व्हाट, पीडीएफ ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन बोलो क्या होगा, वेरी गुड, अल्फा +1 कॉमा एक्स प्लस, ठीक है ना, इंटीग्रेटिंग द पीडीएफ अक्रॉस 0 to इन्फिनिटी ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स गिव्स यू, इंटीग्रेटिंग पीडीएफ अक्रॉस ऑल वैल्यूज गिव्स यू 1, तो ये पूरा पार्ट 1 हो गया, बचा क्या बाहर, बाहर क्या बचा, ये बचा इंटू 1,
क्या कैंसिल होगा? अल्फा प्लस वन है, तो अल्फा प्लस वन का गामा क्या होता है? अल्फा इंटू अल्फा माइनस वन का, मतलब सॉरी, अल्फा इंटू अल्फा का गामा ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, गामा ऑफ अल्फा. ऊपर क्या बचा? खाली अल्फा बचा. ये बच रहे हैं. अब क्या हमने निकाला? देखो, एफ एक्स, पीडीएफ ऑफ एक्स इज गिविंग यू दिस. ये किसका पीडीएफ देख के लग रहा है? ये पीडीएफ किसका लग रहा है देख के? टेबल बुक देखो. वेरी गुड. सो वी कैन से दैट दिस इज नथिंग बट पीडीएफ ऑफ परेटो पर विद पैरामीटर्स. आर यू श्योर? देख के बताओ. अल्फा कॉमा, आर यू श्योर? तो एक्स फॉलोज अनकंडीशनल, ये आपका अनकंडीशनल एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन बन गया. करो सो कंप्लीट. फिर इस पे ना एक मैं इसका लॉजिक भी समझा दूंगी. लिख लेना पीडीएफ ऑफ परेटो. ठीक है, देख लो. बंद कर दीजिए भैया. नहीं चाहिए तुम लोगों को? चाहिए फैन? अच्छा क्यों, ये एप्लीकेशन ही तो कर रहे हो कि अलग अलग मॉडल्स बना सकते हैं लॉसेस का? करेंगे आगे जाके, धीरे धीरे सब आएगा. मैंने क्या बोला? अभी कदम नहीं रखा है. रखेंगे, इतना इजी नहीं है. लिखो इंटरप्रिटेशन ऑफ परेटो डिस्ट्रीब्यूशन. हुआ? कंप्लीट हुआ? नहीं, कर लो, आराम से कर लो. नहीं नहीं कर, कंप्लीट करके जाना है. तुम एप्लीकेशन अभी इसका समझाऊंगी मैं, इसका क्या एप्लीकेशन है. ठीक, एक चीज और ऑब्जर्व करना. लैम्डा का पैरामीटर्स क्या था? क्या था? और इसका एक्स का क्या है? सेम है. तो लिखो इंटरप्रिटेशन ऑफ, इंटरप्रिटेशन ऑफ परेटो डिस्ट्रीब्यूशन. लिखना परेटो अल्फा कॉमा डेल्टा. परेटो अल्फा कॉमा डेल्टा अराइजेज व्हेन एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस आर एवरेज्ड
यूजिंग अ गामा अल्फा कॉमा डेल्टा मिक्सिंग डिस्ट्रीब्यूशन, यूजिंग अ गामा अल्फा कॉमा डेल्टा मिक्सिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सो बेसिकली हो क्या रहा था, हम बोल रहे थे कि एक्स गिवन लैम्डा फॉलोज एक्सपोनेंशियल लैम्डा, और यहाँ पे ये होता क्या है, एक तरीके से 1/लैम्डा इज द मीन, 1/लैम्डा इज द मीन ऑफ एक्सपोनेंशियल, है ना। तो हम बोल रहे हैं एक्स फॉलोज परेटो, हम बोल रहे हैं कि एक्स फॉलोज परेटो व्हेन एक्स गिवन लैम्डा और व्हेन एक्स इज एवरेज्ड यूजिंग लैम्डा वेयर लैम्डा इटसेल्फ फॉलोज गामा अल्फा कॉमा डेल्टा। सो द पैरामीटर्स ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन आर नाउ पैरामीटर्स ऑफ परेटो। सो बेसिकली अगर हम लोग समझे इन डेप्थ, एक्स फॉलोज परेटो वेयर एक्स वॉज एवरेज्ड यूजिंग गामा डिस्ट्रीब्यूशन। सो इट्स अ मिक्सिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड गामा। गॉट इट, गॉट इट। वट एवर लैम्डा वॉज फॉलोइंग, नाउ पैरामीटर्स एक्स इज फॉलोइंग। गॉट इट, अंडरस्टूड। एक क्वेश्चन ले लो, चलो तुम लोग करोगे अभी क्लास में। लिखो एनुअल नंबर ऑफ क्लेम्स, एनुअल नंबर ऑफ क्लेम्स फ्रॉम एन इंडिविजुअल पॉलिसी इन अ पोर्टफोलियो हैज पॉइजन थीटा डिस्ट्रीब्यूशन, फुल स्टॉप। द वेरिएबिलिटी ऑफ थीटा अमंग द पॉलिसीज हैज अ गामा अल्फा कॉमा डेल्टा डिस्ट्रीब्यूशन। अल्फा कॉमा डेल्टा डिस्ट्रीब्यूशन डिराइव द मिक्सचर डिस्ट्रीब्यूशन, डिराइव द मिक्सचर डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ क्लेम्स फॉलोज दिस एक्स गिवन, मतलब हम बोल रहे हैं एक्स गिवन थीटा फॉलोज पॉइजन थीटा वे थीटा फॉलोज गामा अल्फा कॉमा डेल्टा। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है एफ एक्स। मैं हिंट दे देती हूँ, चलो कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट होगा, किसको देखते हैं इंटीग्रेशन के टाइम, थीटा को। कहाँ से कहाँ होता है गामा, 0 से इन्फिनिटी। एफ एक्स गिवन थीटा, एफ थीटा डी थीटा, है ना। चलो करो सॉल्व। एक सेकेंड रुक जाओ, बस मैं एक प्रोसेस डिस्कस करना चाहती हूँ। तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग कैसे, जैसे अभी ऊपर में ना हम लोगों ने पता लगाया कि भाई इसको तो आप गामा में कन्वर्ट कर सकते हो, ये देख के आपने समझा कि इसको गामा में कन्वर्ट कर सकते हैं, गामा पीडीएफ बनाया। ध्यान एक बार ध्यान दो, कैसे हमने सोचा कि गामा डिस्ट्रीब्यूशन है। सबसे फर्स्ट थिंग मैंने आप लोगों को दिखाया, देखो लैम्डा के टर्म्स में कर रहे हैं ना, तो लैम्डा के अलावा और कितने पैरामीटर्स हैं, अल्फा और डेल्टा। लैम्डा तो वेरिएबल हो गया एक तरीके से, है कि नहीं। तो अल्फा और डेल्टा दो वेरिएबल्स हो गए, हाँ। तो टू वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशंस ढूंढेंगे, तो पॉइजन एक्सपोनेंशियल बर्नौली ये सब तो बचेगा ही नहीं, तो सारे टू पैरामीटर्स देखना स्टार्ट करेंगे। सेकंड, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है क्योंकि इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो बाइनोमियल निकल जाएगा, वो डिस्क्रीट है, यूनिफॉर्म डिस्क्रीट यूनिफॉर्म निकल जाएगा। बच्चा क्या, सारे कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, अब नेगेटिव बाइनोमियल भी निकल जाएगा, है ना। अब वो सारा बच्चा उसको देखोगे, तो इसीलिए वही चीज मैं बोल रही हूँ यहाँ पे, आपको स्टार्ट ऑफ कैसे करना है, क्या एलिमिनेशन है। सबसे पहले तो देखो टू पैरामीटर है कि 1 पैरामीटर है। सपोज आपको कुछ ऐसा दिखता है,
सॉल्व करने के बाद थीटा ई टू द पावर माइनस थीटा समथिंग, तो ये क्या हो गया, एक तरीके से एक्सपोनेंशियल है वन वेरिएबल, तो टू वेरिएबल वन वेरिएबल आपका क्या वैसे आ रहा है, आप अकॉर्डिंगली करोगे एंड देन यू विल ट्राई टू लोकेट द पैरामीटर्स एंड सी वॉट डिस्ट्रीब्यूशन यू आर गेटिंग. जैसे यहाँ मैंने दो पैरामीटर्स लोकेट किया कि अल्फा और डेल्टा आर द टू पैरामीटर्स, इवन एक्स इज अ उसको साथ में कर दिया हमने, दीज आर द पैरामीटर्स, तो अकॉर्डिंगली कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि इतने सारे एग्जाम में ढूंढोगे नहीं, आपको ये एलिमिनेशन अप्रोच यूज करना पड़ेगा. राइट, इजी है, हो जाएगा ये वाला सम करो, इसके लिए आपको टेबल बुक यूज करना पड़ेगा. अगेन फाइनली ये जो डिस्ट्रीब्यूशन आता है ये मेन होता है कि इसमें क्या करें, तो इसमें भी हमें दिख रहा था कि एक्स के अलावा अल्फा और डेल्टा है, टू पैरामीटर है, है ना, तो वैसे हम डिसाइड करते हैं. चलो इसको खत्म करो.
बताना डिस्ट्रीब्यूशन एक्स गिवन थीटा पॉइजन फॉलो करता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ बताना। e रेस टू द पावर माइनस, क्योंकि याद रखो कि ये आपका थीटा, ठीक है, ये हो गया पॉइजन वाले का। अब इसका गामा का वेरी गुड, थीटा डेल्टा डी थीटा होगा, है ना, थीटा के टर्म्स में कर रहे हैं। अब जो भी थीटा वाले टर्म्स नहीं है वो बाहर आ जाएंगे। कौन से ऐसे टर्म्स है जो थीटा वाले नहीं है? डेल्टा वाला, वेरी गुड, हाँ करेक्ट। यहाँ पे एक एक्स फैक्टोरियल इधर ले लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इंटीग्रेटिंग अगेन जीरो से, क्या बच रहा है अंदर? थीटा रेस टू द पावर एक्स प्लस अल्फा माइनस वन, वन प्लस डेल्टा, और कुछ बच रहा है? अब अंदर अगेन ये किस फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बनते हुए दिख रहा है, जहां पे गामा ही बनेगा। क्यों? क्योंकि आपको दोबारा से क्या दिख रहा है, e टू द पावर समथिंग एंड वेरिएबल टू द पावर समथिंग, तो ऑब्वियसली ये गामा का बन रहा है। पर किस टाइप का गामा बनेगा ये? हाँ वेरी गुड। यहाँ जैसे देखो हमारा गामा डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने ऊपर लिखा था क्या होता है, एक्स टू दी पार, एक्स टू दी पार देखो अल्फा माइनस वन है, तो अल्फा की जगह पे यहाँ पे हमारे पास है एक्स प्लस अल्फा, और एक हमारा लैम्डा के बदले वन प्लस डेल्टा है, तो ये गामा डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, एक्स प्लस अल्फा कॉमा वन प्लस डेल्टा, है ना। तो क्या क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोलो? ये वाला ले लेते हैं एज इट इज, फिर जीरो से इंफिनिटी हमें क्या चाहिए, न्यूमरेटर में वन प्लस टू दी पार, वेरी गुड, एक्स प्लस अल्फा बाय एक्स प्लस अल्फा फैक्टर का गामा, फिर ये वाला पूरा एज इट इज वही रहेगा। बाहर में किसको मल्टीप्लाई करें, एक्स प्लस ये हो गया। अब ये वाला पूरा पार्ट हो गया पीडीएफ ऑफ गामा विच इज वन, तो क्या बच रहा है बाहर? ये ढूंढना मेन है, ये ढूंढ के बताओ। एक्स फिर से बोल, एक्स प्लस वन गामा कर सकते हैं, ठीक है। तो एक सेकेंड, तो ये बोल रहा है कि इसको हम लोग लिख लेते हैं, ये वाला जो टर्म है इसको हम लोग लिख लेते हैं एक्स प्लस वन का गामा, क्योंकि इट्स द सेम थिंग। कैसे सेम थिंग? ठीक है हाँ चलो मान लो इंटीजर, इसी से डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा, ट्राई करो। एक हिंट देती हूँ, चलो मैं ऐसे लिख रही हूं, अब इसके बाद तुम लोग बस टेबल बुक खोलोगे तुम लोग को आंसर मिल जाएगा, ठीक है। क्या किया मैंने, ये जो पार्ट है ना अल्फा वाला इसको साथ ले लिया, और एक एक्स वाला बचेगा उसको अलग से लिख दिया, एक ही बात है ना। अब ट्राई करो,
पहली बात तो नहीं, पहली बात तो इसमें दो वो आ रहे हैं आपके पैरामीटर, सो ये टू पैरामीटर डिस्ट्रीब्यूशन है ना। सोचो आप, ऐसा टेबल ऐसे नहीं कर सकते, बिना टेबल वो के नहीं कर पाओगे। देख तुम टेबल बुक में ऐसे से करना, एक 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 डिस्ट्रीब्यूशन देखो, दो दो टू पैरामीटर के सारे डिस्ट्रीब्यूशन एक एक करके देखो, समझ आएगा। बाप रे, इतना सोचना पड़ रहा है। वो डिस्ट्रीब्यूशन तुमने देखा ही नहीं जो ये है, क्योंकि तुम्हें लग रहा है वो है नहीं, बट वही है। ढंग से देखो। अच्छा ठीक है, चलो छोड़ो। देखो एक हिंट और दे देती हूँ। 1 माइनस दिस विल गिव यू दिस, सो इफ यू आर टेकिंग दिस एज पी, 1 माइनस पी क्यू, अब भी नहीं समझ आ रहा। नेगेटिव बाइनोमियल कौन सा, टाइप 1 है कि टाइप 2, वो तो देखो। देना टेबल बुक एक बार पास करना। देखो नेगेटिव बाइनोमियल टाइप 2 का पीडीएफ कैसा दिखता है, के प्लस एक्स गामा, एक्स प्लस 1। आप लोगों ने गामा देखा ही नहीं कहीं, ऐसे गामा और है ही नहीं किसी डिस्ट्रीब्यूशन में, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। पर बीटा में अब बाकी चीजें देखो ना, बाकी चीजें नहीं मैच हो रही ना। पी टू दी पार के क्यू टू दी पार एक्स, वेर एक्स का वैल्यूज गोज फ्रॉम 0 1 डॉट डॉट डॉट। एंड क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक्स इज व्हाट नंबर ऑफ, इट हैज टू बी व्हाट। आप लोग क्या देख रहे थे, कंटिन्यूअस देख रहे थे। मैंने क्या लिखा है फर्स्ट लाइन, एनुअल नंबर ऑफ क्लेम, कैन इट बी कंटिन्यूअस, कैन नॉट बी कंटिन्यूअस, गॉट इट। एक्स गिवन लैम्डा क्या फॉलो करता है, क्या लिखवा है, एक्स गिवन लैम्डा क्या फॉलो कर रहा है, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो कंटिन्यूअस कहाँ से बना रहे हो उसको। आपका एक्स तो यहाँ पे एक्स का एक्स गिवन लैम्डा, एक्स गिवन थीटा जो भी है, बट एक्स का वैल्यू तो आप देखो ना, एक्स का वैल्यू 0 1 टू डॉट 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 इंफिनिटी तक होगा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, हाँ कि ना। सेम केस बाइनोम नेगेटिव बाइनोमियल टाइप 2, टाइप 1 क्यों नहीं, क्योंकि टाइप 1 में एक्स का वैल्यूज कहाँ से कहाँ जाता है, देखो देखो कहाँ से कहाँ जाता है एक्स का वैल्यूज, 0 से के तक जाता है।
जीरो वन टू के तक जाता है ना, है ना, मतलब के प्लस वन के प्लस टू एन तक जाता है ना। यहाँ आपका इनफाइनाइट तक जा रहा है, 0 1 2 3। वही चीज आपको यहाँ पे करना था, तो कंटिन्यूस क्यों देख रहे थे, डिस्क्रीट होता ना। मैंने ऊपर में क्या बोला कि यहाँ हम लोग समेशन वाला पार्ट है या इंटीग्रेशन वाला पार्ट है, विल डिपेंड ऑन दिस, बट एक्स क्या लेगा विल डिपेंड ऑन दिस ना। एक्स कंटिन्यूस है तो इधर भी कंटिन्यूस आएगा ना। आप अनकंडीशनल, आप कंडीशनल से अनकंडीशनल जाओगे तो आप डिस्क्रीट को कंटिन्यूस, कंटिन्यूस को डिस्क्रीट थोड़ी बना सकते हो। हाँ नहीं बना सकते ना। तो ये हो गया जहां पे पी आपका ये है और के आपका अल्फा है। सो दिस इज नथिंग बट इट फॉलोज नेगेटिव बाइनोमियल टाइप टू। एक्स फॉलोज नेगेटिव बाइनोमियल टाइप